नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेसिकली ये जो यूनिट चल रही है इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो इसमें बेसिकली आज हम ओमिक्स एनालिसिस करेंगे। ओमिक्स बोले तो जिसमें जिसकी अलग अलग ब्रांचेस कह सकते हो आप, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ब्रांचेस भी हैं। तो पहला है जीनोमिक्स, आने वाले वीडियोज़ में हम प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलियोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, डिटेल में जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे हर एक टॉपिक से। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो बेसिकली इस जो वीडियो में कवर किया गया है, इस लेक्चर में जीनोमिक्स को कवर किया गया है अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी अकेडमी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखने के बाद लाइक कर देना, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, और वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और दोस्तों ये वीडियो मतलब इस वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है वो प्योरली ज़्यादातर हिंदी में होने वाला है, क्योंकि हिंदी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ समझाने में। और दूसरी चीज़, ये खास करके उन यूज़र्स को बेनिफिट करेगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डीपली हिंदी में समझना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जैसे कि मैंने बताया, हम बात करेंगे पहले ओमिक्स एनालिसिस की, बात करेंगे कि ओमिक्स एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो उसको बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ब्रांच। अब ब्रांच क्या होती है? ब्रांच एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को डिवाइड करती है। होती है ना, पेड़ की ब्रांच हो गई, जैसे ट्री होता है, ठीक है। अब क्या होता है, उसकी इस तरीके से ब्रांच हो जाती है, फिर उसकी और फर्दर ब्रांच हो जाती है। इसी तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जब डेवलपमेंट हुई होगी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जब बनाया गया होगा, तो बेसिकली इन ब्रांच के थ्रू धीरे धीरे इनको कंबाइन करके ही बनाया गया होगा, ऐसा मानना है, ठीक है, साइंटिस्ट का। तो समझते हैं एक चीज को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, एक फ्लो है इसका, इंफॉर्मेशन का। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन डीएनए से कहाँ जा रही है, आरएनए में, ठीक है, और आरएनए से कहाँ जा रही है, फाइनली वो इंफॉर्मेशन यूज हो रही है प्रोटीन बनने में, ठीक है। कहने का मतलब डीएनए में जो इंफॉर्मेशन छुपी है वो जीन्स में बेसिकली कोड कर रहा है, वो किसको, आरएनए को, आरएनए से फिर प्रोटीन, मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ से देखें तो आरएनए से डीएनए भी तो बन सकता है, ये बेसिकली पहले भी बताता आ रहा हूँ, ये बेसिक हमने सीखा हुआ है 12वीं क्लास में। तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर डीएनए से ही मैं डीएनए को क्या कर दूँ, बना दूँ, मतलब सी डीएनए बन जाएगा, रेप्लीकेट करवा दूँ, तो इसको बोलते हैं बेसिकली रेप्लीकेशन, क्या बोलते हैं, रेप्लीकेशन, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बन गया तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर डीएनए वापस बनवाना चाहें तो सी डीएनए बेसिकली बनता है, कौन सा, सी डीएनए, ठीक है। तो सी डीएनए बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक। आरएनए से फर्दर हम प्रोटीन को भी बना सकते हैं, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन यूज होते हैं एमआरएनए से, उसमें फर्दर प्रोटीन ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो समझने वाली चीज है ना, वो दोस्तों ये है, अगर हम जीनोमी मतलब डीएनए तक सीमित है, मतलब मैंने क्या बोला, अगर हम डीएनए तक ही सीमित है, बस स्टडी करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स की, ठीक है, डीएनए हो चाहे आरएनए हो चाहे प्रोटीन हो, ठीक है, तो अगर हम बेहतरीन तरीके से डीएनए को समझना चाहते हैं तो उस स्टडीज को क्या बोला जाता है, जीनोमिक्स। अब डीएनए के अंदर क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है डीएनए के अंदर हमारे जीन्स होंगी, है ना, जीन्स होंगी। अब जीन्स, अलग अलग जीन्स है, 30,000 जीन्स है, इतनी मतलब कितनी स्टडी की जाए। तो डीएनए के अंदर बेसिकली हम जीन्स को स्टडी करते हैं, जीनोम को स्टडी करते हैं, सेल के अंदर जितना जीनोमिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को बेसिकली बोला जाता है क्या, जीनोमिक्स। और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच मानी जाती है जीनोमिक्स, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मोस्टली कह सकते हो
40 to 50% काम जीनोमिक्स के ऊपर ही किया जाता है। और जनरली जो हम सीक्वेंस अलाइनमेंट वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ करते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का, ठीक है, उसमें से काफ़ी सारे जीन्स को प्रिडिक्ट करते हैं सिस्टम बायोलॉजी लगा के। तो ये सब चीज़ें किस में आती है भाई? जीनोमिक्स में ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है कौन सा? ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है? आरएनए बनता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें इंक्लूड होती है उन सबको किस में स्टडी करते हैं? ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में, ठीक है। पर दोस्तों याद रखना, जीनोमिक्स पे सवाल पूछा जा सकता है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पे अगर नहीं भी पूछा जाए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए। किसके थ्रू? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व है उसमें, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे अंदर जुड़ रहे हैं, ठीक है, आरएनए को बनने के लिए, उन सब की स्टडी में दोस्तों, उन सब की स्टडी को क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ठीक है। तीसरा आता है जब प्रोटीन बन रहा होता है, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है? प्रोटियोमिक्स। मतलब प्रोटीन किस तरीके से बनता है, प्रोटीन फोल्ड स्ट्रक्चर, टर्शरी सेकेंडरी, ये सब चीज़ें हम प्रोटियोमिक्स में बेसिकली डील करते हैं। तो मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया, ठीक है, कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की क्या क्या ब्रांचेस हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके तीनों को समझते हैं डीप में। तो पहले ये जो मैंने जैसे कि बताया आपको, ये जो लेक्चर होने वाला है ये जीनोमिक्स के ऊपर होने वाला है और ये पार्ट वन है, ठीक है। तो समझेंगे चीजों को डिटेल में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जीनोमिक्स, तो पहले हम जीनोमिक्स को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। जीनोमिक्स को डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसका, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ ये है, बोलता है कि जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ जीनोम्स विच रेफर्स टू द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ सेल। जाहिर सी बात है, कोई भी सेल होती है, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक या तो डायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है या तो इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रेजेंट होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है जीनोम, होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जीनोम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जीनोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर जितना भी कंटेंट, कहने का मतलब एक तो न्यूक्लियस में पड़ा है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा है, ठीक है। तो इन जीनोम को बेसिकली हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जीनोमिक स्टडी, जीनोमिक इज द स्टडी ऑफ जीनोम्स विच रेफर्स टू द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। अब इस जीनोम में क्या होता है बेसिकली? ये डीएनए ही तो है, और डीएनए क्या होता है भाई? डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो इन पे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो जीन्स क्या करते हैं? बेसिकली कुछ ना कुछ चीज कोड कर रही होती है, इनमें इनमें ऐसी इंफॉर्मेशन छिपी होती है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है शायद, आई होप आपको ये चीज पहले से पता होंगी कि जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जीनोमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ जीन्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जनरली डील्स किससे करते हैं? हम जीन से करते होंगे। अब जीन से आप बोलोगे भाई जीन से क्यों, जीन के फंक्शन भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं, जो भी चीज जीन से रिलेटेड हो, जीन चाहे वो जीन का इंटरेक्शन हो, अलग अलग जीन्स हो, कि मतलब एक जीन दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होगी ना, ये दो जीन तीसरे से भी जीन से भी इंटरेक्ट कर रही होगी कहीं ना कहीं, तो इनके एक का जीन, एक जीन का फर्क दूसरे जीन पे कितना पड़ रहा होगा, दूसरे जीन का अफेक्ट तीसरे जीन पे कितना पड़ रहा होगा, ये भी हम स्टडी करते हैं बेसिकली, इंटरेक्शन, ठीक है। तो जीन से रिलेटेड बेसिकली जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे उसका फंक्शन हो, चाहे उसका इंटरेक्शन हो, चाहे उसका सीक्वेंस हो, ठीक है, चाहे उसमें डिफेक्ट हो, चाहे वो एडवांस जीन हो, ठीक है, चाहे उस जीन का रोल क्या है, ये सब बेसिकली हम जीनोमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जीनोमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ जीन्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके जीनोम के अंदर जीन्स जनरली प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसी की स्टडी को हम बेसिकली जीनोमिक्स कहते हैं, ठीक है। जीनोमिक्स जनरली डील्स विद द फंक्शन ऑफ जीनोम्स। जीनोम का क्या फंक्शन है? फंक्शन कहने का मतलब, अब जीनोम होगा, इसमें क्या होता है बेसिकली, डीएनए में क्या होता है मोटे तौर पे, अगर हम समझे बेसिक, एकदम बेसिक प्रिंसिपल से समझे, एक तो इंट्रॉन होते हैं,
और दूसरी तरफ एक्सॉन होते हैं, है ना। एक्सॉन फंक्शनल रीजन होते हैं, इंट्रॉन नॉन फंक्शनल रीजन होते हैं। स्प्लाइसिंग होती है, फिर ये इंट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, चीज को हमें समझना है, ठीक है। फंक्शन जितने भी जीन्स के होते हैं ना, जीनोम, मतलब जीनोम की अगर बात करें, जीनोम में जीन तो प्रेजेंट है ही ना, तो जीन्स के उनके फंक्शन क्या होंगे, बेसिकली इन फंक्शंस को भी हम जनरली जीनोमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जीन से रिलेटेड जितने भी चीज है उन सबको किसमें, जीनोमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। एवरी सेल इन एन ऑर्गेनिज्म हैज द सेम सेट ऑफ जीन्स व्हिच मींस दैट द जीनोम इज कॉन्स्टेंट इन ईच सेल। अब भाई दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी चीज ये होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई कोई सेल अगर कोई एक दूसरे बॉडी पार्ट में है, मान लो बॉडी पार्ट ए है कोई, दूसरा कोई बॉडी पार्ट बी है, ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, नेफ्रॉन लगा लो, ये हिपेटोसाइट लगा लो, तो इसमें भी तो जीनोम होगा ही ना, ये सेल है ना बेसिकली, ठीक है, ये क्या है, सेल्स है। तो जितने भी बॉडी के अंदर सेल होती है उन सब में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और न्यूक्लियस में भी होता है, ये चीज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि इसमें थोड़ा ज्यादा होगा जेनेटिक मटेरियल, इसमें थोड़ा कम होगा, नहीं, पूरी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर जो जीनोम लेवल, मतलब जीनोम का कंटेंट होता है ना, वो इक्वल होता है। इक्वल मतलब जितना लंबा इसमें डीएन जीनोम होगा उतना ही लंबा इसमें भी जीनोम होगा, ठीक है, आ रही है बात समझ। न्यूक्लियस में तो बेसिकली कॉइल्ड होता है, सुपर कॉइल्ड, कभी कभी क्रोमोसोम की फॉर्म में भी होता है, दिखता है, ठीक है, मेटाफेस में उसको विजुअलाइज करते हैं ना सेल डिवीजन के टाइम, मतलब विजुअलाइज मेटाफेस पे ही होता है एक्चुअली क्रोमोसोम, आप जब भी देखोगे, ये बेसिकली 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हर एक सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी सेल के अंदर आप देखोगे तो डीएनए कंटेंट सब में आपको इक्वल ही मिलेगा, जीनोम जेनेटिक कंटेंट, ठीक है, इक्वल ही मिलेगा, और उनमें सब में क्या होगी, सेम सेट ऑफ जीन्स मिलेंगे आपको, ठीक है। म्यूटेशन किसे बोलते हैं, म्यूटेशन अभी हम इस पे भी आएंगे बेसिकली, वैसे आगे म्यूटेशन क्या है, कोई भी एक जीन का क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर चेंज हो गया, उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक सेल के अंदर हो गया, नहीं, पूरी बॉडी के अंदर जितनी सेल है, जितना जीनोम कंटेंट है ना हमारा हर एक सेल का, अगर सब में ये म्यूटेशन देखी गई तो क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, SNP। इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, ये बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड की शिफ्ट होने की वजह से और भी थोड़ा बहुत चेंज आने, इंसर्शन डिलीशन हो जाता है, कभी कभी न्यूक्लियोटाइड हट जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, इंसर्ट हो जाता है बीच में, कभी कभी इंसर्ट हो जाता है, कभी कभी डिलीट हो जाता है, तो इनसे भी क्या होता है, ये बेसिकली सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं इसे, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड के हटने से कुछ भी हो सकता है, वो डिजीज भी हो सकते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो वो सब चीज पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है, हर सेल के अंदर जो जीनोम लेवल होता है, जीनोम कंटेंट होता है, इक्वल होता है और सेम सेट ऑफ जीन्स होती है, मतलब जीन्स बराबर ही होती है सब में, ठीक है। और जीन्स भी बेसिकली क्या है, एक सीक्वेंस ही तो है डीएनए का, ठीक है, लेकिन क्या है, वो फंक्शनल है, उसमें कोडिंग रीजंस है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है भाई, हाई थ्रूपुट टेक्निक्स आर यूज्ड इन द जीनोम जीनोमिक्स टू मैप सीक्वेंस एंड एनालाइजिंग द जीनोम्स। अब बेसिकली करते क्या है, हाई थ्रूपुट टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। हाई थ्रूपुट का मतलब ये हुआ, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको बाय द वे, तो फिर भी बता देता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि जो जीनोम होता है ह्यूमन का, किसी भी स्पीशीज का, वो छोटा सा होता है, नहीं, छोटे भी होते हैं मैं, लेकिन ह्यूमन की अगर बात करूं तो बहुत बड़ा ह्यूमन जीनोम होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। अगर इसको हम हाथ से सीक्वेंस करने लग रहे होंगे ना तो काफी टाइम लग जाएगा, सालों बीत जाएंगे, ठीक है, उसमें भी मिसकंसेप्शन एरर भी आ जाएंगे उसमें काफी सारे, ठीक है। तो बेसिकली हाई थ्रूपुट का मतलब ये होता है, अगर सपोज करो हम सैंगर सीक्वेंसिंग यूज कर रहे हैं, तो मान लो 500 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग कर देंगे, ज्यादा ज्यादा 800 की कर देंगे, 900 की कर देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, हमारा खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा। अब हाई थ्रूपुट में क्या होता है, बेसिकली हम एक ही साथ टन्स ऑफ सैंपल लोड कर देते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे तो एक डीएनए सैंपल की बात हो रही थी सीक्वेंसिंग के मामले में, सेंगर सीक्वेंसिंग में जब भी हम कर रहे हैं तो छोटे छोटे बेस पेयर कर रहे हैं, मतलब 100 बेस पेयर का कोई न्यूक्लियोटाइड कर लिया सीक्वेंस, या 500 का कर लिया, 600 का कर लिया, 800 का कर लिया, ठीक है, इतने पॉसिबल है इसमें। लेकिन जब
नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जब कभी हम बात करते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब सीक्वेंसिंग बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है, और बहुत कम समय में हो जाती है, और उसके बहुत सारे फायदे हैं कि पैसा कम लगता है, कॉस्ट टाइम मतलब टाइम कट हो जाता है, पैसा कम लगता है, लेबर का कॉस्ट बच जाता है, सीक्वेंसिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है, और कंपैरिजन हो जाता है बकायदा, ठीक है। तो बेसिकली मशीन के द्वारा हम करते हैं हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग, उसमें एक ही साथ मल्टीपल जीनोम्स रन कर सकते हैं एक ही बार में। और बेसिकली काम क्या कर रही है, मशीन ही कर रही है ना। आजकल तो ऐसी ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं सीक्वेंसिंग की, पेन ड्राइव जितना बड़ा होता है ना, है उतनी बड़ी मशीन्स है, ठीक है। आपको सैंपल सीधा लोड करना है, सीक्वेंसिंग हो जाएगी 6-7 घंटे के अंदर ह्यूमन जीनोम की पूरे, ठीक है, और आपको सीक्वेंस जीनोम मिल जाएगा। तो हाई थ्रूपुट का बेसिकली मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो हाई थ्रूपुट टेक्निक बेसिकली यूज की जाती है जीनोमिक्स में, ठीक है। किस लिए यूज की जाती है? टू मैप सीक्वेंस एंड एनालाइज द जीनोम्स, मतलब किसी जीनोम को मैप करना हो। मैप करने का बेसिकली मतलब हो कि मान लो ये जीनोम है, ठीक है, आपने एनसीबीआई खोला होगा, अगर मैपिंग उसमें देखी होगी कैसे होती है, तो जहाँ यहाँ पे जैसे एग्जॉन है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट जीन है, तो ये सब बेसिकली हम क्या करते हैं, एनोटेट कर देते हैं। एनोटेट का मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, हाइपर लिंक ऐड हो जाएगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप माउस लाओगे तो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी, इस जीन के पास अगर माउस लाओगे तो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। ये बेसिकली एक बॉक्स में डिस्प्ले होती है, आप देख सकते हो एनसीबीआई में, मैं आपको दिखा दूंगा एक एग्जाम्पल करके भी। तो इस तरीके से मैप करते हैं बेसिकली जीनोम को, क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, ठीक है। इसको सीक्वेंस भी कर सकते हैं हाई थ्रूपुट टेक्निक का यूज करके, सबसे मोस्ट पॉपुलर है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ठीक है। और बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मास्टर्स में पूरा एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, और एनालाइज भी कर सकते हैं उस हिसाब से जीनोम को, जीनोम के अलग अलग जीन्स, उसके इंट्रैक्शंस, वो जीन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, ब्लास्ट करके अलग अलग डेटा बेस के अगेंस्ट हम उसका उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन जीनोमिक्स वी एड्रेसेस ऑल द जीन्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, मतलब इन जीनोमिक्स वी एड्रेस ऑल द जीन्स, मतलब सेल के अंदर जितना भी जीनोम होता है ना, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात कर ले उसके अंदर, तो जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती है ना, बेसिकली उसको हर एक जीन को एड्रेस करते हैं हम। सीक्वेंसिंग जब कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसका फंक्शन भी पता लगा सकते हैं हम ब्लास्ट करके अलग अलग डेटाबेसिस के थ्रू, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके, ठीक है। तो बेसिकली टारगेट कर सकते हैं हम जीन को, स्टडी कर सकते हैं उनको, डिटेल में स्टडी कर सकते हैं पर्टिकुलर जीन की। और इंटर रिलेशनशिप का मतलब जीन का इंट्रैक्शन किससे हो रहा है, मान लो एक जीन ये है ए है, ठीक है, एक जीन ये है जो कि बी है, एक जीन ये है सी है, ठीक है, एक जीन ये है डी है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ए जीन डी से इंटरेक्ट कर रही होगी, डी जीन सी से इंटरेक्ट कर रही होगी, हो सकता है सी जीन बी से इंटरेक्ट कर रही हो, ए जीन हो बी जीन से इंटरेक्ट कर रही हो, ये भी हो सकता है ए सी से भी इंटरेक्ट कर सकती है। कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है, मतलब ये है अगर किसी जीन का एक्सप्रेशन, मान लो मैंने बी का एक्सप्रेशन लेवल बी बढ़ा दिया, जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा दिया, तो इस एक्सप्रेशन से ए पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और डी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली डी की तो हम बात नहीं करते क्योंकि बी से कौन सी लिंक है, ए लिंक है और सी लिंक है जीन्स। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं बेसिकली इंटर रिलेशनशिप जीन का, ठीक है। जीन इस जीन के इस जीन का एक्सप्रेशन लेवल कम या कम कर दें या ज्यादा कर दें, ठीक है, इससे इन जीन्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इसी को बेसिकली इंटर रिलेशनशिप बोलते हैं। और स्ट्रिंग डेटाबेस होता है, बहुत पॉपुलर है, इसके ऊपर भी एक पूरी सिस्टम्स बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक कोर सब्जेक्ट है, पूरा एक सेमेस्टर पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक है। इंट्रैक्शन पढ़ाया जाता है जीन का, इंटर रिलेशनशिप्स वगैरह, उसके किस किस तरीके से इंट्रैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए एक मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है कैग, कैग में आप अलग अलग जीन्स देख सकते हो, ठीक है। एक है डेविड एनालिसिस, ठीक है, बहुत सारे हैं और भी है, पैंथर डेटाबेस ले लो, ठीक है, अलग अलग टूल अवेलेबल है वेब पे, मोस्ट पॉपुलर कैग है, डेविड है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। जीनोम का क्या करते हैं, बेसिकली जीन्स का सॉरी इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई क्या होता है, टेक्निक्स है ना जो किसमें, जीनोमिक्स में,
कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, जनरली इनमें सबसे ज्यादा हाई थ्रूपुट सिक्वेंसिंग यूज की जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया डीएनए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि मतलब उसे मतलब हाथ से अगर सीक्वेंस करने लग रहे होंगे तो भाई सालों बीत जाएंगे, लेकिन इसलिए हम हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि मशीन एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देती है, नहीं। कुछ एरर हमारे जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो कुछ एरर वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, कई न्यूक्लियोटाइड मिस हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इस तरीके से एरर आ ही जाता है लास्ट में, ठीक है। तो बेसिकली हाई थ्रूपुट यूज करते हैं, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो पहला सीक्वेंसिंग टेक्निक जो पहले यूज करते हैं उसमें कौन सी है, डायरेक्टेड जीन सीक्वेंसिंग। तो बेसिकली ये है तो बहुत बड़ी बड़ी, अगर मैं आपको समझाने लग रहा हूँ तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये समझ लो कि बेसिकली करते क्या है, जीन को लेते हैं, ठीक है, जीन को लिया या उसके क्लोन को ले लिया या पीसीआर के प्रोडक्ट को ले लिया, ठीक है। इसको बेसिकली क्या करा, फिर प्राइमर डिजाइन करा, ठीक है। प्राइमर डिजाइन करने के बाद फिर इसे सीक्वेंस करा, फिर प्राइमर डिजाइन करा इसका, ठीक है, फिर इसको सीक्वेंस करा। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा जब तक पूरा जीनोम, मतलब होल जीनोम जब तक सीक्वेंस नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये किसमें करते हैं, डायरेक्टेड जीन सीक्वेंसिंग में करते हैं, ठीक है। दूसरा है होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें बेसिकली हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर मतलब प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली उसका इस्तेमाल करते हैं इसमें, होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग में। तो इसके कुछ जो इस पे पहले क्या करा जाता है, डीएनए को फ्रेगमेंट किया जाता है जो कि ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, और छोटे छोटे सीक्वेंस कर लिए जाते हैं, अलग अलग मैकेनिकल शेयरिंग मेथड यूज करे जाते हैं, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करा जाता है भाई, डीएनए को क्लोन करा जाता है अलग अलग किसी भी स्पीशीज के, मतलब किसी भी वैक्टर के थ्रू। मान लो यहाँ पे तुमने क्लोन कर दिया, थोड़ा गलत बन गया, सर्कुलर होता है बेसिकली। यहाँ पे मान लो हमने अपना न्यूक्लियोटाइड ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवा दिया, ठीक है, प्लाज्मिड ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, सीक्वेंस करते हैं ईच फ्रेगमेंट को, ठीक है, मतलब निकाल के फिर से कट करके बेसिकली सीक्वेंस करेंगे ईच फ्रेगमेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं सीक्वेंसेस को, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आप यूज कर सकते हो। इस प्रोसेस को बेसिकली बोला जाता है जीनोम असेंबली। छोटे छोटे फ्रेगमेंट जब सीक्वेंसिंग के बाद जनरेट हो जाते हैं तो उनको बेसिकली सीक्वेंस करना होता है, एक प्रॉपर लाइन के अंदर लाना होता है, ठीक है, समझ आ रही है बात। इन छोटे छोटे सीक्वेंसेस का क्या बनाना होता है, कॉन्टिक्स बनाने होते हैं। कॉन्टिक्स बनाने के बाद फिर एक बड़ा जीनोम बन जाता है फाइनली, जिसको बोलते हैं हम सीक्वेंस जीनोम। ये बेसिकली हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करके भी कर सकते हैं। आजकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत इमर्ज हो रहा है, तो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, जैसे यूज गैलेक्सी प्लेटफॉर्म है, मोस्ट पॉपुलर है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए, ठीक है। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे डिटेल में, बस आपको ये समझना है होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग भी एक तरह की सीक्वेंसिंग होती है, जो कि टेक्निक यूज की जाती है जीनोमिक्स में, ठीक है। और तीसरी है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, ये भी एक तरीके की सीक्वेंसिंग, जिसने जैसे सेंगर सीक्वेंसिंग सबसे पहले आई थी, उसके बाद कौन सी आई, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के बाद थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग। थर्ड इसलिए बोला गया, सेंगर को फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोला जाता है और एनजीएस को क्या बोला जाता है, सेकेंड जनरेशन सीक्वेंसिंग। और थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग, अब फोर्थ जनरेशन सीक्वेंसिंग भी आ गई, ठीक है। लेकिन बोला जाता है सबसे जो टिकाऊ है वो कौन सी है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग सबसे ज़्यादा टिकाऊ है, और आज इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। बहुत सारी लेबोरेटरीज में इसकी भी कई सारी डिमांड है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के। इसमें भी अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स लेते हैं। बेसिकली जो सेंगर सीक्वेंसिंग हमारा होता है ना, इसमें जो मेथड यूज होता है कौन सा, इसमें डीडीएनटीपी यूज करते हैं, मतलब सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस करवाते हैं, है ना, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। तो इसमें डीडीएनटीपी यूज करते हैं, शायद आपने अगर पढ़ा हो तो। डीडीएनटीपी क्या होता है, थर्ड पोजिशन पे, वैसे नेचुरली अगर डीएनटीपी में देखें, मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में देखें, अगर न्यूक्लियोटाइड में देखें, तो उसमें थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, ओएच ग्रुप होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ओएच होता है, लेकिन डाई डीऑक्सी डीडीएनटीपी जो होता है ना,
वो रिएजेंट होता है सेंगर सीक्वेंसिंग में यूज किया जाता है, उसमें यहाँ पे ओ नहीं होता, बस एच होता है। अब इसकी मतलब होता क्या है, इससे फर्दर जो नया सिंथेसिस हो रहा होता है न्यूक्लियोटाइड का वो नहीं हो पाता, ठीक है, तो यहाँ टर्मिनेट हो जाता है बेसिकली। डीडीएमटी भी टर्मिनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंगर सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मेथड बोलते हैं इसको, यही चीज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में भी यूज की जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बहुत फास्ट होती है, विद इन डे के अंदर आप एक एक ह्यूमन का पूरा जीनोम सीक्वेंस कर सकते हो, ठीक है, और उसको स्टडी भी कर सकते हो। और भी अलग अलग टेक्निक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग आपने बहुत पॉपुलर नाम है सुना होगा, ठीक है, EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, कब सुना है, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे होंगे आप 11वीं 12वीं या BSc में, तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, आई गारंटी यू, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, mRNA को आइसोलेट करते हैं किसी टिश्यू में से, ठीक है, इसको फिर कॉम्प्ली मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। mRNA से क्या बनता है, cDNA, ठीक है, cDNA के बाद क्या होता है इसकी फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है फर्दर, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए सेपरेट होता है, cDNA बेसिकली ये जो होता है सेपरेट होता है, फिर जो सेपरेट होके जो फ्रेगमेंट्स आते हैं फिर उसको क्या करते हैं बेसिकली ब्लास्ट करते हैं, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके ब्लास्ट करते हैं अलग अलग डेटाबेस के अगेंस्ट। ब्लास्ट करने का मकसद ये होता है, मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ जो मोस्टली ब्लास्ट वाले ही कवर करता हूँ, NCBI वाले, तो ब्लास्ट का बेसिकली मतलब होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। होता क्या है कि भाई डेटाबेस है एक, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल डेटाबेस है कोई, NCBI की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है, उसमें जेन बैंक है ना पॉपुलर जो जीनोमिक का है डेटाबेस, तो जेन बैंक है अगर मान लो डेटाबेस, ठीक है। होता क्या है, जेन बैंक में ऑलरेडी पहले से ही क्या है, सारे सीक्वेंस स्टोर है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सारे स्टोर है पहले से ही, ठीक है। अब होता क्या है, इसके अगेंस्ट हम ब्लास्ट करते हैं अपने स्पेसिफिक जीन को, ठीक है, जीन को कर लो, जीनोम को कर लो, तो जितने मैचेस होंगे ना, मतलब तुम्हारा जो जीन है ना इसके जितने मैचेस होंगे डेटाबेस के अंदर वो सारे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है मतलब आपका जो जीनोम है उसके जैसा भी एक जीनोम ऐसा हो जो ऑलरेडी स्टोर्ड हो डेटाबेस में, ऐसा भी हो सकता है इससे थोड़ा मिलता जुलता हो तो सारे डिस्प्ले कर देगा अकॉर्डिंग टू देयर ई वैल्यू, पी वैल्यू, परसेंट आइडेंटिटी कवरेज, इन सबको देख के आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो सीक्वेंस को, उसका फंक्शन पता लगा सकते हैं कि वो प्रेजेंट जीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसका इंट्रैक्शन भी पता लगा सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो उसके बाद, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो SNP, जैसे कि मैंने बोला सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया तो आपने सुना ही होगा, बीमारी है, ठीक है, सेल सिकल शेप की हो जाती है, मूनी शेप बोलते हैं ना, मूनी शेप, ठीक है, उस शेप में हो जाती है। तो बेसिकली वह क्या SNP है, क्या है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली क्या होता है, जो डीएनए होता है ATGC 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 सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली मान लो एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से खिसक गया, कट गया, डिलीट हो गया, या खिसक गया, या तो इंसर्ट हो गया, यहाँ पे एक बीच में कुछ आ गया, न्यूक्लियोटाइड आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये ऐसा एक मतलब एक सेल में नहीं होगा, सारी बॉडी के अंदर जितने सेल के अंदर हो गया तो हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो जाए, डिजीज भी हो जाए, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो जाए, मतलब तो उसके जीनोटाइप में चेंज आ सकता है, और उस जीनोटाइप के चेंज होने की वजह से तुम्हारे हो सकता है फिनोटाइप में भी चेंज हो जाए, मतलब फिजिकल कैरेक्टर में भी चेंज आ जाए उससे, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी टेक्निक आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली इसे, तो करते हैं किसकी वजह से, सीक्वेंसिंग टेक्निक की वजह से ही यूज करते हैं, मतलब जीन सीक्वेंसिंग करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। जीनोमिक्स स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फंक्शन लोकेशन रेगुलेशन ऑफ द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जीनोमिक स्टडीज जो होती है ना वो क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका फंक्शन, ठीक है, बेसिकली स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो मैं जीन भी आप समझ सकते हो कि आप जीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, उस जीन के फंक्शन की बात कर रहे हो, उस जीन के लोकेशन की बात कर रहे हो, उस जीन का रेगुलेशन कैसा है, ठीक है,
विद इन एन ऑर्गेनिज्म, किस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो जीनोमिक स्टडी बहुत फायदामंद, मतलब बहुत फायदा देती है किसी जीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, उसके फंक्शन को, उसके लोकेशन कहाँ पे वो प्रेजेंट है और किस तरीके से वो रेगुलेट हो रही है, रेगुलेट और जीन्स को कर रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट चला था ना, बहुत पॉपुलर है जीपी, तो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट भी क्या करे गए थे, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है जो कि जीनोमिक्स के अंदर पहली बार स्टडी किया गया था, परफॉर्म किया गया था। अलग अलग डिपार्टमेंट थे यूएस के जिन्होंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करा था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एरिया ये भी, किसका, जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट का, कौन सा, एचजीपी, ठीक है। और भी इसके बाद सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट चालू हुए, जैसे कि 1000 जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें 1000 स्पीशीज के जीनोम को सीक्वेंस करने की बात चली। उसके बाद फिर 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट चला। तो इस तरीके से अलग अलग सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट चलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हेल्पफुल लगे तो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, बेसिकली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं भी भाई, मैं सुनता हूँ कि कौन है।